सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में तीन रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, 12 बजे का वक्त दिया गया था और अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि समाअत शुरू होगी। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का तीन रुकनी बेंच समाअत करेगा इलेक्शन कमीशन की उस नज़रसानी दरख्वास्त पर जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा कर रखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए जो 14 मई की तारीख का ऐलान किया था वो सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ कानून और खिलाफ आयन हुक्म जारी किया था, उस पर नज़रसानी करके उसको वापस कर दिया जाए। इस पर जवाब जमा करवाया गया, अदालती नोटिस जारी हुआ वफाक को भी, पीटीआई को भी, और साथ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों को। पंजाब और वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवाए हैं और दोनों ने हिमायत कर दी है इलेक्शन कमीशन के मौक़ की और ये कह दिया है कि जो पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए 14 मई की तारीख का ऐलान किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया था। उसमें इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि कब पंजाब में इंतखाबात कराने हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक तमाम तर जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ऐसे में तारीख का ऐलान करना खिलाफ कानून है। तहम इस मौके के ऊपर ये भी कहा गया कि अगर इंतखाबात पंजाब में पहले करा दिए जाते हैं तो इसके बहुत से आइनी बहरान पैदा होने का भी खदशा है, क्योंकि जब आम इंतखाबात होंगे तो उस वक्त पंजाब में हुकूमत किसकी होगी, और अगर पहले एक बड़े सूबे में इंतखाबात हो जाते हैं तो उससे मुल्क भर में होने वाले इंतखाबात मुतासर होने का भी खदशा है।